के लिए अभी भी धरने पर बैठी हैं महिला पहलवान खिलाड़ी। दिल्ली के जंतर मंतर की बात की जाए, लगातार आठवां दिन है जहां पर महिला पहलवान खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी एक ही मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। यहां पर आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, जिसमें एक नाबालिग लड़की का नाम भी शामिल है, जिसको लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये सवाल अभी भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी, कब वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। लगातार बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ये आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। यहाँ पर विनेश फोगाट ये कहती हुई नजर आती है, जिस पर आरोप लगे हुए हैं यौन शोषण के, जिस पर कमेटी ने ये भी कहा है साफ तौर पर खेल मंत्रालय, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा सकते, खेल के दौरान वाले में, और यहाँ पर किसी को भी कोई भी उपहार या पुरस्कार देते हुए नजर नहीं आएंगे। तमाम तरीके से इन कार्यक्रमों से दूर रहेंगे और जब तक उन पर फैसला नहीं आ जाता है तो वो ऐसी किसी भी चीज में हिस्सेदारी दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसी बीच विनेश फोगाट ये बताती हुई नजर आती है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने लगे ऊपर आरोपों को खारिज करते हुए नजर आते हैं, सरासर कहते हैं कि ये साजिश के तहत हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ एक कार्यक्रम में जाते हैं जहां महिलाओं को मेडल पहनाते हुए दिखाई देते हैं, तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ये दिखाई देना चाहते हैं यहाँ पर कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, यहाँ सिर्फ उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से उन्हें फंसाया जा रहा है। ये सब कुछ बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा कहा गया है, लेकिन विनेश फोगाट ये दिखाती हुई नजर आती है कि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर ना तो सरकार एक्टिव है, ना सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, ना ही बृजभूषण डरे हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर अपने झूठ को इस कदर सच्चाई में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर मेडल पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अब हल्ला बोल चुकी है महिला पहलवान खिलाड़ी, जिसके समर्थन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है और लगातार इंसाफ की बात करती हुई नजर आ रही है। और विनेश फोगाट ने साफ तौर पर जाहिर किया है कि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं वो सच है और वो साबित करते रहेंगे, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत FIR दर्ज की जाती है दिल्ली पुलिस द्वारा। अब ये देखना होगा कि क्या वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे या नहीं। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।